करना है। अगर आपने इसे हफ्ते भर इस्तेमाल कर लिया ना, आप भले ही, मैं दावा करती हूँ, आप भले ही कितने भी कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, आप सबको भूल जाइएगा, इस क्लींजिंग के को ही याद रखिएगा। बहुत स्पेशल है। मैं क्या करती हूँ इन गर्मियों में अपने स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए, गर्मियों में अक्सर हमें टैन हो जाता है, बाहर जाने से पॉलिटिन बहुत जल्दी से चिपक जाते हैं क्योंकि हमारी स्किन पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इस टाइम पे आप अपने स्किन को कैसे क्लीन अप करेंगे, कैसे अपने स्किन को हाइड्रेट करेंगे, कैसे अपने स्किन को ब्यूटीफुल बनाएंगे, टैन से बचाएंगे, आज की रेमेडी में बताने वाली हूँ। तो होने वाली है, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है आप सब जानते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है उसे जरूर प्रेस करेंगे ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और चलिए आज की रेमेडी को प्रिपेयर करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज की रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क, जिसमें भरपूर मात्रा से में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, जिसको चेहरे को क्लीन करने का अवार्ड दिया जाए तो भी कम है क्योंकि ये वर्ल्ड का बेस्ट क्लींजर माना जाता है। चेहरे पे कुछ ना लगाया हो या फिर कुछ भी लगाया हो, फिर भी क्लीन करोगे ना, चेहरा बिल्कुल क्लीन होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा चेहरा क्लीन तो है, एक बार आप कच्चे दूध से स्किन को क्लीन करके देखिए, आपका ये भ्रम टूटने वाला है। चेहरे पे दाग धब्बे, कालापन, टैन, जितनी चीजें है ना, ये क्लीन कर देता है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध ले लेना है। इसके बाद रॉ मिल्क लेना है। किसका लेना है, पैकेट का ले सकते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, जिसका भी आपका मन है उसका ले सकते हैं, मगर आपको बॉइलिंग प्रोसेस में नहीं डालना है, आपको इसे मतलब कच्चा ही लेना है, रॉ ही लेना है। आपको इसमें थोड़ा सा कॉफी लेना है और इसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉफी, आधा चम्मच जैसा मैं बोल दूं तो आधा चम्मच जैसा कॉफी आपको इसमें ऐड कर देना है। इन दोनों को अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स अच्छे से। जैसे ही आप इसको मिक्स करिएगा ना, ये बहुत अच्छा पेस्ट नहीं बनेगा, मैं पहले बता देती हूँ। पेस्ट ये मत सोचिए कि ये पैक है, ये एक तरह का जो कहते हैं ना क्लींजिंग है, ये बिल्कुल लिक्विड ही टेक्सचर में आपको रहेगा। अब आपको करना क्या है, जैसा मैं कहती हूँ कि मैं अपनी स्किन पे अभी कुछ भी नहीं लगाती हूँ, जब भी सूट करती हूँ, आपको सिंपली अपने हैंड की हेल्प से अपने स्किन पे इसे हल्के हल्के हाथों से कर लेना है मसाज। मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, स्किन टाइटन होती है, ब्राइटन होती है, हर एरिया में आपको मसाज करना है। आप इसे जो कहते हैं ना बहुत कोई कुछ लिप्स में नहीं करना है, नहीं, आप इसे लिप्स में भी कर सकते हैं, ये आपके स्किन के लिए बहुत हेल्दी है, स्पेशली गर्मियों के लिए। अगर आप सोचते हैं कि गर्मियों में क्या करें, चेहरा काला पड़ रहा है, टैन आ रहा है, गंदगी है, मैल है, किस चीज को लगाएं जिससे स्किन क्लीन हो जाए, तो ये बेस्ट रेमेडी है, यकीन माने इससे अच्छी रेमेडी मैंने नहीं देखी है। अगर आपने हफ्ते भर इसे यूज कर लिया, पर डे आपको इस्तेमाल करना है, अगर आपने इसे हफ्ते भर इस्तेमाल कर लिया ना, आप भले ही, मैं दावा करती हूँ, आप भले ही कितने भी कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, आप सबको भूल जाइएगा, इस क्लींजिंग के को ही याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे स्किन पे कर लेना है मसाज। गर्मियों में क्या होता है, चेहरे पे दाना आना स्टार्ट हो जाते हैं गर्मियों की वजह से, तो ढेर सारा वाटर पीजिए और इससे अपने चेहरे को क्लीन करिए। मसाज के स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, फिर भी आपको बताते जा रही हूँ, धीरे धीरे करके आपको सारे मिल्क को अच्छे से अपने चेहरे पे कर लेना है मसाज। क्या होता है ना कि हम अपने स्किन पे अगर अच्छी चीजें देंगे तो स्किन भी हमें अपने बेस्ट वर्जन देगी। गर्मियों में स्किन पे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, टैन हो जाता है, घर पे रहो चाहे बाहर जाओ, या फिर छत पे जाओ या फिर विंडो के कॉन्टेक्ट में जाओ, टैन आना ही है। कुकिंग करो या फिर बल्ब के कॉन्टेक्ट में रहो, टैन आना ही है। ऐसी जो मिथ्स है कि हाँ सन के कॉन्टेक्ट में जाने से ही टैन आता है, ये बहुत गलत है। आपको मैं बता दूं कि आपकी स्किन डेड, डल और जो कहते हैं ना टैन भर जाती है घर पे रहकर भी। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, बस वही बताने आती हूँ बिना इन्वेस्टमेंट के। तो मैंने कर लिया अपने चेहरे को प्रॉपर मसाज, 2-3 मिनट दीजिए मसाज करने में। अब क्या करना है, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। चलिए नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं। मैंने अपने स्किन को वॉश किया है, सारी गंदगी मैल इजिली रिमूव हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना लाइट नहीं है, यहाँ पे जो नॉर्मल लाइट है मैं उसी में सूट कर रही हूँ और मेरे स्किन पे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। ये देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है, चेहरा कितना शाइन कर रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए गर्मियां शुरू होते ही मैं आपको कहती हूँ कि रोज वाटर अपने पास जरूर रखें। रोज वाटर आपकी स्किन को पिंक ग्लो देते हैं, चेहरे पे फ्लॉलेस ग्लो लाता है, चेहरा बहुत ज्यादा शाइन करने लगता है। तो आपको क्या करना है, रोज वाटर अपने हैंड में ले लेना है। इस तरीके से आपने अपने स्किन को क्लीन अप कर रखा है, रोज वाटर को अपने हैंड में लेना है इस तरीके से और अपने हाथों की हेल्प से टैप टैप टैप। वाओ,
ये जो आपको सुकून मिलेगा, जो इसका फ्रेग्रेंस है आपके चेहरे को ना बिल्कुल गुलाबों वाला ग्लो देने वाला है। इस तरीके से आपको टैप टैप करना है। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल या फिर कोकोनट ऑयल मिला ले और चेहरे पे इस तरीके से हमने लगा लेना है। इतना अच्छा सुकून, इतना अच्छा ग्लो तो आपको पैसे खर्च करके भी नहीं मिलने वाला है। बस ये दो स्टेप रोजाना आपको करना है, चाहे नाइट में करें चाहे डे में करें, जिस टाइम भी आप फ्री हैं आप कर सकते हैं। अगर आप बाहर से तुरंत आई हैं आपको तुरंत नहीं करना है, गर्म से आकर के चेहरे पे पानी नहीं डालना है, अपने स्किन को थोड़ा रेस्ट करने दें एक घंटा दो घंटा, उसके बाद इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग में बाहर जाना है, क्लीन अप से अच्छा कुछ नहीं होता है। चेहरे को इस तरीके से क्लीन करेंगे, कॉफी हमारे टैन को रिमूव करेगा, स्किन पे अच्छे से जो मखमली ग्लो होता है ना वो हनी लाता है और चेहरे को ब्राइटन बनाने के लिए दूध बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये रेमेडी बहुत स्पेशल है इन गर्मियों के लिए। अगर आपने कर लिया चेहरे पे काफी ज्यादा ग्लो आएगा, शाइन करने लगेगा चेहरा और भी बहुत सारी परेशानियां जो है ना स्किन से आउट हो जाएगी। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल से स्टेप्स थे, दो स्टेप मैंने बताए हैं, एक है क्लीनअप और दूसरा है रोज वाटर से आपको अपने स्किन को मॉइस्चर देना है, मॉइस्चराइज करना है। ये दोनों स्टेप अगर आपने रोजाना कर लिया ना, वन वीक चैलेंज करती हूँ, वन वीक के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। कौन कौन कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1515 से एवव है बिल्कुल आप कर सकते हैं। 20, 30, 40 वाले को तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भैया कर लो, दीदी कर लो, क्योंकि इससे आपकी स्किन फ्लॉलेस होगी, आप एज ऑफ साइंस के शिकार नहीं होंगी। आजकल वो जमाना चला गया जब 40 के एज में आपके चेहरे पे एज ऑफ साइंस दिखती थी, आजकल एज ऑफ साइंस आपको 20 से ही दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अपनी स्किन का केयर करना है, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, अपनी स्किन को प्रॉपर रूटीन एक बनाइए। जैसा कि मैं बताती हूँ, अगर आपको अपना रूटीन खुद नहीं बनाने आता, मैंने बहुत सारे वीडियोस शेयर कर रखे हैं, मेरे चैनल पे आइए, आपने चेक करना है बहुत सारे रूटीन। मैंने नाइट स्किन केयर रूटीन, वीकली स्किन केयर रूटीन, करंट ग्लास स्किन रूटीन बता रखा है, आपने जाना है देखना है और जो आपकी स्किन पे सूट कर रहा है उसे रेगुलर करना स्टार्ट कर देना है। गर्मियों के लिए था ये बहुत ज्यादा अच्छा नुस्खा जो मैं आज आपके साथ शेयर करी हूँ। कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कोई इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता या फिर आपको लगता है ये इंग्रेडिएंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, मैं क्या करूं, बिना झिझक के आप मुझे करें कमेंट, मैं इसका रिप्लाई विद इन अ हाफ एन आवर दे देती हूँ बहुत जल्दी, और वो लोग मुझसे एग्री करेंगे जो मुझे कमेंट करते हैं, क्यों देती हूँ ना। तो आपने भी कर लेना है कमेंट, मैं आपको विद इन अ हाफ एन आवर रिप्लाई करूंगी, साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आप अपने स्किन पे क्या लगा सकते हैं इसके अलावा। सो आई होप यू गाइस